Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to solve internet problem. हमारे फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है, कभी कभी इंटरनेट चलता है लेकिन स्पीड बहुत कम है। दोस्तों, इंटरनेट के रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। ऐसे भी जब से मार्केट में 5G आया है, 4G का हालत 2G जैसा बन गया है। दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें चेक करना होगा। डेली डाटा लिमिट एंड रिचार्ज प्लान, आप ये देखें कि आपके नंबर पर जो प्लान आप रिचार्ज कर रहे हैं वो ख़त्म हो गया या नहीं। फिर आप देखें कि जो डेटा आपको हर दिन मिलता है, चाहे वो 1.5 GB हो या 2 GB, आपने अभी तक पूरा इस्तेमाल किया है या नहीं। उसके बाद ऊपर से क्विक पैनल ओपन कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपने जिस नंबर पर रिचार्ज किया है वो यहाँ इंटरनेट के लिए सेट है कि नहीं। दोस्तों, इन सभी बेसिक चीज़ चेक करने के बाद अगर आपके पास अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान है तो आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो कीजिए, एरोप्लेन मोड। दोस्तों, जब भी आपके फ़ोन में इंटरनेट कम करना बंद कर दे या स्पीड स्लो हो जाए, तब इस ऑप्शन को जरूर ट्राई करें। ऊपर से क्विक पैनल ओपन करके एरोप्लेन मोड को एक बार ऑन करना है, फिर कुछ देर बाद बंद कर दीजिए। एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करने से नेटवर्क सिग्नल रीसेट हो जाता है, फिर देखना आपके फ़ोन में इंटरनेट चालू हो जाएगा और डेटा स्पीड भी फास्ट हो जाएगा। चेक नेटवर्क सेटिंग्स, कभी कभी नेटवर्क सेटिंग्स चेंज करने की वजह से इंटरनेट कम करना बंद कर देते हैं। आपके डिवाइस में नेटवर्क सेटिंग सही है कि नहीं वो चेक करना होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद कनेक्शन में जाइए, इसके बाद मोबाइल नेटवर्क। फर्स्ट डेटा रोमिंग ऑप्शन अगर ऑफ किया हुआ है तो उसे टर्न ऑन कर दीजिए। इसके बाद जिस सिम कार्ड में इंटरनेट नहीं चल रहा है उस पर क्लिक करके नेटवर्क मोड सेट करना होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में जो मोड रहेगा वो सेट कीजिए। नेक्स्ट एक्सेस पॉइंट नेम, इसके साथ कभी भी छेड़छाड़ ना करें। अगर पहले का भी किया है तो यहाँ 3 डॉटेड लाइन पर क्लिक करके APN को डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रिसेट कीजिए। APN सेटिंग्स हमेशा डिफॉल्ट रखना होगा, चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जिस सिम कार्ड में इंटरनेट नहीं चल रहा है उसका APN सेटिंग्स डिफॉल्ट पर सेट कीजिए। इसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली सेट रखें, मैनुअल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फ़ोन आपके लिए बेस्ट नेटवर्क ऑटोमेटिक ढूंढ के देगा। दोस्तों, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब ऊपर से क्विक पैनल ओपन करके यहाँ पावर बटन पे क्लिक करें, इसके बाद फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। इससे आपका इंटरनेट या डेटा सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। टेक्निकल इशू, दोस्तों ऊपर में बताया गया सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर कोई हल नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ होगा। आप एक काम कीजिए, इसमें जो सिम स्लॉट है उसे निकल के SIM 1 को SIM slot 2 में डालें और SIM 2 को SIM slot 1 में। सिम इंस्टॉल करने के बाद फ़ोन का पूरा नेटवर्क एक बार रीसेट कीजिए। नेटवर्क रीसेट करने से फ़ोन से कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। फ़ोन सेटिंग्स खोलने के बाद यहाँ 7 बार पे फाइंड करें रीसेट। अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते ही सीधा नेटवर्क रीसेट सेटिंग्स पर चले जाएंगे। अब नेटवर्क सेटिंग्स पर क्लिक करें, जिस सिम कार्ड में एक प्रॉब्लम आ रहा है उसे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद रीसेट सेटिंग्स, फिर लॉक स्क्रीन का पासवर्ड एंटर करके रीसेट पर क्लिक करना है। दोस्तों, नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट हो चुका है, उसके साथ साथ आपका प्रॉब्लम भी ठीक हो गया है। 5G टू 4G नेटवर्क स्विच प्रॉब्लम, दोस्तों शायद आपने नोटिस किए होंगे कि 5G नेटवर्क ऑटोमेटिक 4G में स्विच हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता। नेटवर्क स्विच होने के पीछे दो कारण हैं, या तो आपका फ़ोन 5G नेटवर्क को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है, या आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ 5G नेटवर्क स्टेबल नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, जब तक आपके एरिया में 5G नेटवर्क स्टेबल ना हो जाए आप अपने डिवाइस को 4G मोड में चला सकते हैं, या मोबाइल नेटवर्क में जाके उस सिम कार्ड का नेटवर्क मोड LTE ऑटो कनेक्ट सेट कीजिए, फिर नेटवर्क स्विच प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सर्विस सेंटर, दोस्तों अगर आपके फ़ोन की मदरबोर्ड में नेटवर्क ऐसी ख़राब नहीं हुआ है तो इन 5 तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए था। अगर डिवाइस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है तो इसके बाद आप अपना फ़ोन को नियरेस्ट कोई सैमसंग की सर्विस सेंटर या किसी मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पर ले जाइए, कोई एक टेक्नीशियन आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने डिवाइस पर इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।